है ब्लैक लेडी। अच्छे लगते हैं उन लोगों को, बहुत अच्छा लगता होगा कि यू नो हर साल कुछ नए नए अवार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। वो गंगम साइल वाला वो जो दो स्टेप जो उसने किए हैं, हम लोग ने जस्ट चिल में कर लिए थे। 2012 so far has been so far it's pretty much the end, isn't it? It's been a really really amazing year for me. I think Tiger exceeded all of our expectations. Kabir worked so hard on the film. I think the film working to that kind of a magnitude was not even something we thought would happen. Jab Tak Ye Jaan, for many reasons, I think now was the whole process being a long-awaited dream of mine. Of course, with Yashji passing away as well, the whole thing became a little more poignant. So both of the films, Jab Tak Ye Jaan and Ek Tha Tiger, for me were, I think, everything I could have hoped for. Awards, always have importance. इसका मतलब ये होता है कि जो काम आपने किया है और जो टीम आपकी है उसके लिए आपकी जो ऑडियंस है वो आपको अवार्ड कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अवार्ड्स पे जाती हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं मुझे यहाँ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। आई थिंक आज तक हम लोग जो कुछ भी है हमारे फैंस की वजह से, दोज लॉयल फैंस जो हमारे फिल्म देखने जाते हैं, एंड जैसे मैं एक डायरेक्टर की एक्ट्रेस हूँ वैसे मैं अपनी फैंस की भी एक्ट्रेस हूँ, तो आई बिलीव इन माय लव फॉर फैंस। डांस करने का शौक है मुझे, ऑफ कोर्स करिश्मा जैसे इतनी अच्छी डांस तो नहीं कर पाती, बट डांस का एक अपना ही मजा है, एंड मुझे डांस करने का डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट रहता है, एंड दैट्स व्हाई अवार्ड शोज पे जब लोग मुझे बुलाते हैं मेरे गाने पे डांस करने, लोगों को एंटरटेन करने, एंड वो मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा लगा बिकॉज द फर्स्ट अवार्ड्स ऑफ द सीजन, एंड यस यू आर राइट, झिलमिल मेरे लिए बहुत मुश्किल कैरेक्टर रही है। यू नो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर पाऊंगी, बट इट हैपेंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यू नो ये अप्रिसिएशन मुझे मिली। अवार्ड्स की अहमियत हमेशा बढ़ती रहती है, एक तरह का इंकरेजमेंट होता है जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आपने काम अच्छा किया। 2012 मेरे लिए बहुत ही अच्छा साल गया, आई हैड सम अमेजिंग फिल्म्स दैट केम जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, चाहे वो डॉन 2 हो, अग्निपथ हो या बर्फी हो, मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेंगे, एंड अगले साल भी बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट देम। देयर इज अ रीमेक ऑफ जंजीर ऑफ कोर्स, देन देयर इज गुंडे, देयर इज माय बायोपिक ऑन मैरी कॉम, देयर इज क्रिश 3, और मेरी सारी फिल्मों से आई एम वेरी एक्साइटेड। इंडियन सिनेमा हैज इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स लाइव्स इन मेनी मेनी वेज। आई कैन ओनली टॉक अबाउट रेस 2 बिकॉज़ इट्स रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ। तो उसी के बारे में बताइए। आई एम मीटिंग यू ऑल वेरी सून टू टॉक अबाउट इट।